भारतीय कार खरीदारों के बीच ऑटोमेटिक कारें काफी लोकप्रिय हो गई हैं। ये सुविधाजनक हैं और ट्रैफिक में चलाने में आसान भी। पारंपरिक टॉक कन्वर्टर्स और सीवीटी से लेकर ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन तक बाजार में कई तरह के ऑटोमेटिक विकल्प मौजूद हैं। इसलिए यदि आप एक अच्छी ऑटोमेटिक कार की तलाश में हैं लेकिन आपका बजट कुछ कम है, तो इस्तेमाल की गई कार खरीदना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। हम ऐसी ही 6 कारें आपके लिए लाए हैं। बलेनो मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है और पुरानी कारों के बाजार में काफी लोकप्रिय भी। प्रीमियम हैचबैक का ऑटोमेटिक वेरिएंट सीवीटी के बॉक्स के साथ आता है, जो शहर में ड्राइविंग करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जबकि नई बलेनो की दिल्ली में कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए से 10.5 लाख रुपए के बीच है, पुरानी कारों के बाजार में आप मॉडल के साल और कार की स्थिति के हिसाब से 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच एक बढ़िया कार पा सकते हैं। Hyundai Grand i10 भी एक बहुत लोकप्रिय हैचबैक है और सुविधाजनक सिटी कार की तलाश करने वालों के लिए इसका ऑटोमेटिक विकल्प भी मौजूद है। जबकि नई Grand i10 Nios को AMT यूनिट के साथ पेश किया जाता है, पिछली पीढ़ी की कार के साथ 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आता था। जहां बिल्कुल नई Nios AMT की कीमत लगभग 7.5 लाख से 9.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के बीच है, वहीं इसका पुराना मॉडल आपको 4 से 6 लाख रुपए के बीच मिल जाएगा। Volkswagen Polo GT TSI वो कार है जिसे भारत में कम बजट पर बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली कार की तलाश में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। कार का नया मॉडल अब एक छोटे इंजन और टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आता है, जो पहले एक DSG यूनिट था। पुरानी कारों के बाजार में एक डुअल क्लच वाली पोलो आपको 6 से 8 लाख रुपये के बीच मिल जाएगी। हालांकि हमें आपको ये बताना होगा कि DSG यूनिट वाली कार का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मारुति सुजुकी डिज़ायर प्री ओन्ड कार बाजार में एक और बेहद लोकप्रिय मॉडल है। हालांकि इसमें AMT गे बॉक्स या ऑटो गे शिफ्ट या AGS मिलता है, जैसा कि मारुति इसे कहती है, ये अभी भी बेहतर AMT सेडान्स में से एक है। जबकि एक नई डिज़ायर AGS की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है, पुरानी कारों के बाजार में आप लगभग 5 से 7.5 लाख रुपए के बीच एक अच्छी कार पा सकते हैं। होंडा सिटी हमेशा कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में बेहतरीन विकल्प रही है और ये निश्चित रूप से इस्तेमाल की गई कार बाजार में भी काफ़ी लोकप्रिय है। कार का CVT मॉडल उन अच्छे ऑटोमेटिक सेडान्स में से एक है जिसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी पुराने जनरेशन के मॉडल को बाजार में बेचती है। जहाँ नई पीढ़ी की कार की कीमत लगभग 14 लाख से 16.5 लाख रुपये के बीच है, वहीं मॉडल, वर्ष और कार की स्थिति के आधार पर 5 से 9 लाख रुपये में आपको एक बढ़िया पिछली पीढ़ी की सिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। Hyundai Creta भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है और पुरानी कार खरीदारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय विकल्प है। जबकि इसके नए जनरेशन के मॉडल को बेहतर इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं, ये थोड़े महंगे हैं, यानी 17 लाख से 20 लाख रुपए के बीच। हालांकि थोड़ी पुरानी पहली पीढ़ी की क्रेटा ऑटोमेटिक बाजार में लगभग 8.5 लाख से 14 लाख रुपये के बीच में उपलब्ध है।